खुशी हो रही है मुझे, सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे घर परिवार, मेरे गांव के लोग इतने ज्यादा खुशी हैं, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए अपने गांव के लिए एक बेटी ही रहूंगी। लेकिन जो खुशी हो रही है मुझे अपने गांव के लोगों की, अपने परिवार को लोगों को देख के कि इतने खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है और मैंने अपने गाँव और समाज के लोगों को खुशी दी है। अच्छा, इससे पहले आप बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रही थी जी, क्या कैसे सोचा है कि नहीं इससे भी अच्छा पद पे जाना चाहिए, दरोगा बनना चाहिए? जी वो तो शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव परिवार के लिए कुछ करूं। तो जैसे जैसे, चूंकि हम लोग एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे जैसे जैसे मौका मिलते गया, मैं वैसे वैसे अपने हर मतलब सोचती, जैसे जैसे मुझे मौका मिले मैं सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब अपनी सेवा देते रहूं और आगे बढ़ते। यहां तक पहुंचने में आपको काफी बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, कभी आपने हारा नहीं अभी तक। छठा क्लास में एडमिशन हुआ नवोदय में पहले ही अटेम्प्ट में, बिहार पुलिस में पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई, दरोगा पहले ही अटेम्प्ट में बन गई जी। कहाँ से इस तरह की शिक्षा मिली आपको? जी इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बिना मेरे माता पिता के और मेरे परिवार वालों के, मेरे भाई बहन के सपोर्ट के, ये कुछ भी संभव नहीं था इतना कुछ करना। और क्योंकि एक ऐसे गांव से मतलब ये हो करके, और फिर भी मेरे माता पिता ने कभी हार नहीं मानी, और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी मेरे माता पिता कहते थे कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बस वही जो मेरे माता पिता का आशीर्वाद था और जो उन लोग का साथ था, वही मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। आपकी जो फैमिली है काफ़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, माताजी भी पढ़ी लिखी हैं, भाई बहन भी पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है कि कितना जरूरी है आज के समय में शिक्षा, क्योंकि संविधान में लिखा, बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और आप दहाड़ भी रही हैं आज, क्या कहना चाहिएगा शिक्षा को लेकर? जी मैं कहना चाहूंगी कि आज जो बाबा साहब की वो जो लाइनें हैं वो बिल्कुल आज चरितार्थ हो रही है और बिल्कुल सही है, और शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जो एक रूढ़िवादी धारणाएं चल रही है उसको बदलने के लिए एक सबसे जो बेहतर हथियार है वो शिक्षा है। शिक्षा के जरिए हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम अपने देश को बदल सकते हैं। महिला हैं जी, दरोगा बनी हैं जी, इसकी खुशी काफी ज्यादा है गांव वालों को जी, और भी तमाम जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा जो बेटी के प्रति सोच होता है, लड़कियों के प्रति सोच होता है, उस सोच को लेकर? जी आज आपके चैनल के माध्यम से ना कि मैं अपने गांव को बल्कि पूरे इस समाज को और पूरे देश के लोगों से, अभिभावकों से मैं ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के साथ साथ अगर बेटियों को भी मौका देते हैं तो वो जरूर आगे बढ़ेंगी, जरूर आपको खुशी देंगे और जरूर सफलता के मुकाम तक पहुंचेंगी और आपका नाम रोशन करेंगी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर, फिर से एक बार हाथ जोड़कर अपने गांव के, समाज के और इस देश के सभी अभिभावकों से मैं प्रार्थना कर दे, और तब देखे कि हम आपका शरीर जरूर, हम आपका सर जरूर ऊंचा करेंगे। बेटी दरोगा बन गई है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आज आप? अपने आप को बहुत मैंने गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, नहीं बेटियों को उतना नहीं पढ़ाते हैं, हमने शादी तक पढ़ाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन आपने समानांतर शिक्षा दिया है बेटा बेटी को, क्या कहिएगा पेरेंट्स जो देख रहे हैं आप? ना हम तो सभी पेरेंट्स से ही आग्रह करेंगे कि हमारे सभी पेरेंट्स अपनी बेटियों को बेटा से ऊंचा स्थान दे, चूंकि आज के युग में बेटियों का स्थान बहुत आगे है, बेटी कहीं बेटा से कम नहीं है, मौका मिलेगा बेटी अच्छा करेगी, कर रही है और भविष्य में भी करेगी। शुरू से ही आप इनको पाले पोसते हैं, आपको पता होगा इनके बारे में, क्या आपको विश्वास था शुरू में कि मेरी बेटी एकदम ऊंचा पद तक जाएगी? एकदम विश्वास था, अभी आज भी विश्वास है, अभी हमारी ओर से, अभी जो इसकी टैलेंटी के बारे में हम जानते हैं, चूंकि हमारी बेटी है, अभी इससे और आगे बढ़े और आगे भी जाना है, आगे भी जाना है, लक्ष्य है। हम अभी संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है, बट नॉट वेल सेटिस्फाइड एज ए सब इंस्पेक्टर। आइए, क्या पिताजी का सपना है, इंस्पेक्टर देखना चाहते हैं? जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना 100% दूंगी कि मैं और भी अपने पापा का जो सपना है और जो मेरा भी सपना है वो मैं पूरा करूं, और मैं पूरा अपना 100% एफर्ट लगाऊंगी कि मैं और भी आगे जाऊं और अपने समाज का, अपने देश का सेवा करूं। सबसे ज्यादा श्रेय किन का है, माता का कि पिता का? दोनों का बराबर श्रेय है। देखिए दोनों का मतलब अपना अपना स्थान है और दोनों का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। एक जहाँ माँ के साथ एक
इमोशनल अटैचमेंट होता है, वहीं पिता का जो सर पे हाथ रहता है और पिता का जो एक सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि बाहरी दुनिया को पिता ही झेलते हैं और जो एक माँ का जो एक भावना होता है जो वो मतलब बहुत मोटिवेट करता है। क्योंकि मैं जब भी एक बात बताना चाहूँगी कि मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को कॉन्फिडेंस था, मैं जब भी डिमोटिवेट होती थी या ऐसे स्टूडेंट लाइफ में होता है उतार चढ़ाव इंसान मतलब लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं, तो मम्मी कहती थी नहीं बेटा तुम कर पाओगी। मेरी मम्मी को 100% विश्वास रहता है जिस भी मैं एग्जाम में बैठती हूँ कि नहीं तुम कर पाओगी, तुम दोगी, भगवान हम लोग के साथ हैं, तुम बस अपना मेहनत करो। मेरी मम्मी यही कहती थी अपना कर्म करो और सब कुछ अच्छा होगा। जो जो अभ्यर्थियाँ असफल रह गई उनसे क्या कहेंगी? जी मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप हारिए नहीं और हिम्मत रखिए और आप अपना निरंतर प्रयास करते रहिए। लेबर नेवर गोज फेल, सफलता कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए आप परिश्रम करते रहिए, आप अपना 100% एफर्ट लगाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।